फ्रेंड्स साहब, जानते हैं हम मेस चेंज करने के बारे में, मेस कैसे चेंज किया जाता है एक सूजन मशीन में। आइए तो आइए आज मेस चेंज करते हैं। ये है हमारा मोटर, हाइड्रोलिक मोटर है, इसको पहले ऑन करते हैं। ऑन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा स्क्रीन चेंजर या इस मेस चेंज, ठीक। अभी इसको दबाएंगे, पुश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ फोर्स करेगा। देखिए ऊपर जा रहा है, इसको नीचे दबाने पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इस साइड में एक्सट्रूडर है और राइट साइड में आपका डाई है, बीच में लगता है, ठीक है। अभी ऊपर आ चुका है, अभी ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर मेस होगा जिसको स्क्रीन पैक भी बोलते हैं। अब ये मटेरियल हटा रहा है, मटेरियल हटाएगा उसके बाद से इसमें जो स्क्रीन पैक है उस पर कुछ देखते हैं, कुछ फंसा है या नहीं फंसा है, या जो भी फंसा होगा जैसे धागा होगा जाता है मटेरियल के साथ, यही स्क्रीन पैक है। स्क्रीन पैक बोलते हैं या मेस बोलेंगे इसको, ठीक है। तो काफ़ी डस्ट इसमें है, मटेरियल के साथ जो भी आता है, जो भी कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं उसको ये छानने का काम करता है, उसको यहीं रोक देता है, डाई में नहीं जाने देता है, जिससे हमारा जो पाइप बनता है वो पाइप में कोई कमी नहीं आती है। इसको 24 घंटे में एक बार ज़रूर चेंज या प्रेशर के अनुसार चेंज करना चाहिए। जो 300 का प्रेशर हमारा होता है उसको 300 से ऊपर न जाने दें, 300 से 350 के बीच में ही चेंज कर लें। इसे चेंज करने से हम अपना आउटपुट भी बढ़ा सकते हैं। ये ज़्यादा फंस जाता है तो मटेरियल भी लोड भी वेरिएशन होने लगता है, कम ज़्यादा लोड भी होने लगता है। ज़्यादा कुछ इसमें अगर फंस जाता है तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से इसको बराबर चेंज करना चाहिए। देखिए ये स्क्रीन पैक है, अभी मटेरियल हट चुका है पूरी तरह से। एमएस इन्हें धागे का टुकड़ा आ जाता है या कोई किसी मेटल का, छोटा छोटा मेटल्स भी आ जाते हैं इसमें कभी कभी, उसको ये छान देता है। अभी देखिए पहले मेस को थोड़ा सा मोड़ के एक तरफ बीच में थोड़ा ऊंचा कर देंगे, साइड साइड में दबा लेंगे तो अच्छे से लग जाता है इसमें। अच्छे से पहले क्लीन करके तब लगाना चाहिए। देखिए अभी इसको ब्रेकर प्लेट भी बोल सकते हैं, जाली, इसी प्लेट में ये जाली को लगाते हैं, मेस को लगाते हैं, ठीक। अब ये लग गया है, अब फिर से हाइड्रोलिक सिस्टम से, पूरा मैनुअली नहीं है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसमें मोटर भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसको डाउन कर लेते हैं, ठीक। इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, देखिए नीचे आ रहा है, अभी पूरी अपने जगह पे फिट हो जाएगा, अभी हो गया, ठीक है। ओके दोस्तों।